खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां अनैतिक व्यापार के संदेह को लेकर हंगामा हुआ। कुठला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। साथ ही वल्लभ नगर के एक निजी मकान से दो युवतियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने ले गई। रहवासियों ने बताया कि कुछ महीने पूर्व साईं मंदिर मंडी रोड के पास एक महिला स्पा सेंटर संचालित करती थी। अनैतिक गतिविधियों के चलते वहां से स्पा सेंटर को हटाया गया था, फिर बाद में उसे हनुमान मंदिर के पास खोला गया था, जिसका जमकर विरोध हुआ। स्पा में काम करने वाली लड़कियों ने वल्लभ नगर में किराए का मकान लिया और यहां से अनैतिक कार्य संचालित किया जाने लगा। सूत्रों के मुताबिक रानी स्पा सेंटर काफी दिनों से बंद है। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां 10 लड़के आते थे 1:40 में ये टाइम, और 2-10-12 लड़का रहते थे। यहाँ गाड़ी खड़ी रहती थी, हम लोग जाते थे तो आंख निकालते थे, गंदी नजरों से देखते थे। हम लोगों को पसंद नहीं आया। अब आज लड़कियां आज धमकी दे के गई हैं कि आपकी बच्चियों को उठवा लेंगे, स्कूल जाती हैं बच्ची, छोटी छोटी बच्ची हैं हमारी। अरे यहाँ गंदे गंदे लड़के आते हैं, लड़की रहती हैं यहाँ, रोती हैं, चिल्लाती हैं, हम नहीं जाएंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सुने हैं आवाज, हम सब लोग सुने हैं। कितनी लड़कियाँ रहती थी? दो लड़की रही हैं, पहले तो 4 थी, अब 2 बची रही हैं। हम लोगों ने थाने में शिकायत करी है। किस बात की शिकायत की है? यही इसी बात को लेकर कि यहाँ पर जो ये विश्व सेंटर चलाया जा रहा है, इसे बंद किया जाए। और लड़कियों ने पुलिस वालों से सीधे कही है, गवाही दी हैं कि सर हम विश्व सेंटर चलाते हुए सर लोगों को सबको जानकारी लग गई थी कल रात में, सर डाल भी आई और लड़कियां सीधे कबूल कर ली हैं कि हाँ सर यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ थे, इन्वॉल्व थे जी। कल रात में फिर क्या घटना हुई? फिर इसके बाद पुलिस वाले चले गए हैं पूछताछ करके। इसके बाद फिर लड़के आए हैं बंदूक कट्टा के साथ, बम के साथ बार किए हैं। उनको समझा कर और सभी लोग ने इकट्ठा करके एकजुट होकर उनकी गाड़ी छीन ली गई है और पुलिस वालों को थाने मतलब उनको बुला के थाने में भिजवा दिया गया है। मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी कि उस मकान, एक मकान है, उस मकान में कुछ गतिविधियाँ संचालित होती हैं, तो उस पर मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस वहाँ गई और मौके पर उनको तस्दीक किया है, वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जाँच की जा रही है और हमने इस संबंध में मकान मालिक को भी नोटिस जारी किया है।